Yay! Para maestro! भारत माता की जय। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक व राजनीतिक, व राजनीतिक, न्याय, न्याय, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना की, धर्म और उपासना की, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता, अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए, प्रदान कराने के लिए, तथा तथा उन सबको, उन सबको व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता अखंडता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी अपनी इस संविधान सभा में, इस संविधान सभा में एतद् द्वारा, एतद् द्वारा इस संविधान को, इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मापूर्तित करते हैं, करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। अब भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला बाबा सुनो, सही लग रहा है बाबा जी, बोला ये रख दे, ये ना ये ये चल ले तेरे वायर को यार, अगस्त पीछे 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 फोन पीछे कर लेना भाई, ठीक है फोन पीछे कर लेना, पीछे कर लेना, अरे फोन पीछे कर लेना, ठीक है भाई थोड़ा सा अंदर होना। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। इसलिए अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं जिनके कारण से आज भारत के अंदर अपना संविधान बना, लाखों करोड़ों लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, उन शहीद हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए देशवासियों को एक निष्ठ होकर, ध्येय निष्ठ होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज जो दुनिया के अंदर भारत का चारों ओर एक डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हर एक भारतवासी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए, तभी यह गणतंत्र हमारा मजबूत होगा। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूंकि काम करना है इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही
हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। देखिए अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्रभक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है, और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहां पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोग ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।